संत चौकीदार के रूप में समाज की जीवन की खामियों के लिए जागृति का काम करते रहे हैं। पुलिसकर्मी नागरिकों के अमन चैन और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिन रात जुटे रहते हैं। पुलिस है तो समाज सुरक्षित है। भय के बगैर अनुशासन नहीं आ सकता, इसलिए अपराधियों पर नियंत्रण करने के लिए पुलिस का भय जरूरी है। ये बात मध्य प्रदेश शासन के राजकीय अतिथि युवाचार्य विश्व रत्न सागर सुरेश्वर महाराज ने गुरु विश्व रत्न अर्ध शताब्दी महामहोत्सव के अवसर पर आयोजित पुलिस सेवा सम्मान समारोह में कही। युवाचार्य ने अपने संबोधन में कहा कि मन को नियंत्रित करने का काम संत करते हैं और अपराध को नियंत्रित करने का काम पुलिस करती है। हम त्योहार मनाते हैं, हम रात भर नींद निकालते हैं, उस समय भी हमारे यहाँ पुलिस अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहकर हमारी रक्षा करती है। मैं इनकी सेवा को नमन करता हूँ। देश के अच्छे नागरिक इन पुलिस कर्मियों के कारण ही सुरक्षित है। देशभक्ति और जनसेवा के लक्ष्य के साथ पुलिस 24 घंटे अपनी ड्यूटी करती है। सिंहस्थ से लगाकर कोविड महामारी जैसे अवसरों पर हम सब पुलिस की सेवा से वाकिफ हैं। मैं उन्हें अपने अंतर्मन से नमन करता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि सदैव इन्हें और परिवार को खुशहाल बनाए रखे। सांसद अनिल फिरोजिया ने आचार्य श्री से आशीर्वाद प्राप्त कर नवपद ओली आयम्बिल तप आराधकों की परोजगारी की और उनकी सुख साता पूछकर धर्म लाभ प्राप्त किया। कार्यक्रम में उपस्थित विधायक पारस जैन ने कहा कि नगर में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में नवपद ओली तप आराधना और पुलिस का सम्मान देखने को मिल रहा है, इससे मैं अभिभूत हूँ। हमारे प्रधानमंत्री मोदी भी अपना जन्मदिन सेना के साथ मनाते हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमारे युवाचार्य श्री विश्व रत्न सागर सुरेश्वर जी के 50वें जन्मोत्सव प्रसंग पर पुलिस सेवा सम्मान का आयोजन हुआ। महोत्सव सह संयोजक प्रसन्न जैन ने भी संबोधित किया। ऐसा भारत देश आज पूरा देश